हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 12 अगस्त 2020 है और बुधवार का दिन है। आज मैं जो ओपिनियन और व्यू लेके आया था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लेके आया था। और मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं जो कुछ दिन से ये एक हैंग पैटर्न में बना हुआ था, 200 क्रॉस नहीं कर रहा था, वो ये अभी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में ही हो सकता है, जैसे बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी है और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको दे रहा है 22,000 के आसपास, 300 के पास। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो पीएसयू सेक्टर में भी आपको अच्छा खासा अभी रनअप देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इस मंथ के एंड के पहले आपको 235 का टारगेट भी अचीव होते हुए दिख सकता है। और अगर 235 क्रॉस करता है तो 262 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा एसबीआई में। इसने एक 200 का जो लेवल है कहीं ना कहीं वहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। तो एसबीआई आज एनएससी पे जो इसका भाव 203.30 रुपए है, करंट मार्केट प्राइस 12 अगस्त 2020 को। मेरा आपसे कोई भी खरीदने या बेचने की सलाह मेरी नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले बात करेंगे और फिर कोई पोजिशन मार्केट में बनाएंगे उनके एडवाइस को देख करके। ये सिर्फ आप पेपर ट्रेड के लिए, व्यू के लिए आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है। आप देख रहे हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और आज डेट है 12 अगस्त और 203 का रेट है। और कहीं ना कहीं आप इसमें देखेंगे एक डिलीवरी भी जो है, जो पहले टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो अभी चल रही थी आपका 72 लाख 13, आज कहीं ना कहीं 1 करोड़ 57 लाख का हुआ है। और उसमें से देखेंगे तो अभी कंटिन्यूस लास्ट 10 अगस्त से, 10 11 12 अगस्त से 1 1 करोड़ की डिलीवरी भी हो रही है और आज 2 करोड़ 81 लाख की डिलीवरी हो गई है। तो कहीं एक तो क्वांटिटी ट्रेड में भी चेंज आया है 1 करोड़ 57 लाख, और वहीं डिलीवरी में भी चेंज आया है। तो शॉर्ट टर्म भले ही 17% आपको डिलीवरी देख रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये बैंक निफ्टी के साथ ये ऊपर आपको जाते हुए दिखने को बन सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो दो चीज़ एक डाइवर्जन आपको देखने को मिल रहा होगा इस लेवल पे। देखिए यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे 30 मार्च 2020 के आसपास से ये आरएसआई में डाइवर्जन है, प्राइस में और आरएसआई में आपको दिख रहा होगा डाइवर्जन। ये प्राइस इधर से प्राइस नीचे फॉल कर रहा है आरएसआई, और यहाँ पे आरएसआई ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरा एक इसका सपोर्ट भी है जो कि 191 पे है। तो 191 पे आप इसका एक सपोर्ट भी है, इसको 191 के स्टॉप लॉस से भी इसको रख सकते हैं। और ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है अपना 202 के लेवल को, 202 के लेवल को क्रॉस किया हुआ है। तो ये पहला आपको 231.40 जो कि अप्रॉक्स 235 के आसपास आता है, जो कि इसका वीकली 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। और दूसरा आता है 265। तो जहां आपको देख रहा है 200 का डेमा है 265 वीकली बेसिस पे, इसको अगर सपोर्ट देता है तो आप देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो 202.63 रुपए के लेवल को इसको तोड़ता है, जो कि आज 200 थोड़ा सा तोड़ के ऊपर की ओर बन हुआ है। तो ये इसका जो रिट्रेसमेंट है सीधा 235 की ओर चला जाएगा, और 235 के बाद ये जो जाएगा ये 262 के आसपास जाते हुए आपको दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे भी ये 235 और 265 का लेवल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको इस महीने के अंत तक हो सकता है 265 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। अगर इसके कॉल में देखें तो एक बहुत अच्छा चीज आपको, ये आज का डेट है एसबीआई है 203 का 12 अगस्त का, और ये पुट है ये कॉल है। तो कॉल में कहीं ना कहीं देखिए एट द मनी अगर हम जाएं तो 200 है जिसको ब्रेक नहीं कर रहा था। तो आप देखिए 200 के कॉल पे आप देखेंगे तो 1,82 लाख का पोजीशन अनवाइंड हो रहा है। आप समझिए 1,33 करोड़ टोटल है, टोटल ओपन इंटरेस्ट है, उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 82,200 के रेट पे है। और अब ये जो खड़ा हो रहा है जाकर के हो रहा है पहला 205, 210, ये धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा, लेकिन ये सब स्मॉल इसके पास हाइंडिंग है। कहीं ना कहीं एक 210 के पास 1,32 करोड़ है, लेकिन यहां से भी मुझे लगता है कंप्लीट अनवाइंड होगा ये। और ये अब आपको जो रेसिस्टेंस जाकर के देगा, अगेन देखिएगा तो 11,28,000 का यहाँ पे अगर आकर के खड़ा हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक 210 के बाद ये सीधा 230 की ओर आते हुए आपको दिखेगा। इनफैक्ट 1,05,00,000 का जो है 220 पे।
एसबीआई यहां से अब आपको 220 की ओर जाता हुआ दिखेगा। और एक चीज देखिए तो 200 के पोजीशन पे आप देखिए पुट को शॉर्ट किया जा रहा है, 21,30,000 से आज ही शॉर्ट हुआ है। तो यहां से भी कॉल पुट से समझ में एक आ रहा है कहीं ना कहीं ये इस मंथ के एंड तक हो सकता है वो 230 की ओर जाता हुआ आपको दिखे। 220 की तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, हो सकता है ये 2-3 दिन में ही आपको 220 की ओर आ जाए। तो इस हो सकता है 230 भी क्रॉस करे, आगे पोजीशन और भी बने, नहीं भी तो एक दो महीने के व्यू से इसमें आप 265 के टारगेट को देखते हुए पा सकते हैं जो कि इसके 200 डेमा भी है। एसबीआई में एक ब्रेकआउट है, अगर चाहें तो कोई पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है तो। 205 के कॉल पे दाव खेल सकते हैं जिसका लास्ट ट्रेड प्राइस 8.20 रुपया है और आज ही देखेंगे इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है इसमें 96% हुआ है। इसका जो लॉट साइज होता है 3,000 का लॉट साइज होता है और ये जो आपको मिल रहा है अभी मिलेगा 8.20 रुपये के आसपास आपको देखते हैं 8.25 में इसका सेटलमेंट हुआ है तो 8.20 के आसपास आपको ये हो सकता है ये मिले या आप देख सकते हैं इसको वाच रख सकते हैं। आप इसके ऊपर का भी एक ले सकते हैं 205 का, अगर आपको भारी लग रहा है तो आप 210 का भी ले सकते हैं जिसको 6.20 रुपये भी मिल रहा है। पर ये पेपर ट्रेड करें, डायरेक्ट मार्केट से इसको नहीं लें। तो एसबीआई में कहीं ना कहीं एक अच्छा पैटर्न है जो कि 200 के लेवल को ये बहुत दिन से नहीं क्रॉस कर रहा था। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दो बार डबल अप यहाँ से क्रॉस किया था दो बार, तो लास्ट ये 30 मार्च 2020 से लेकर के क्रॉस नहीं कर पा रहा था और अभी फर्स्ट टाइम ये जाके क्रॉस किया है। तो एक अगर ये क्रॉस किया है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको अब देखिए तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सा व्यू भी है कि जो ये क्रॉस नहीं कर रहा था इस पैटर्न यहाँ पे, इसको अब ये क्रॉस करते हुए आप यहाँ पे दिख रहा है। जिसमें इसको भी जेंटल लाइन से दिखाऊं तो ये यहाँ पे ये देखिए इसको ये क्रॉस करते हुए नहीं दिख रहा था, अब ये इसको क्रॉस किया है 200 के लेवल को और आप देख रहे हैं ये देखिए 200 के लेवल को ये यहाँ पे क्रॉस करता हुआ है किया है। तो जो कि ये 20 मार्च 2020 से लगभग नहीं क्रॉस कर रहा था यहाँ पे 30 मार्च 2020 से, अब उसको जाके क्रॉस किया है। तो एक अच्छा इसमें पैटर्न भी है, व्यू भी है और अगर सिंपल मूविंग एवरेज भी देखेंगे इसका तो 150 जो है 187 क्रॉस 191 क्रॉस कर चुका है तो 223.59 है सिंपल मूविंग एवरेज, इसलिए 225 का रेट आपको देखने को मिल सकता है पहला सिंपल मूविंग एवरेज से। फिर इसे क्रॉस करता है तो 250 और 262 की ओर जाते हुए दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म में 2562 के टारगेट से आप इसको पेपर ट्रेड कर सकते हैं विथ 191 के स्टॉप लॉस के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।